दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन में शनिवार को एक दुखद घटना घटी। घटना थी लोकप्रिय नाइट स्पॉट हैलोवीन पार्टी के दौरान भारी भीड़ जुट गई और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दुनिया सन्न थी और साउथ कोरिया सरकार अवाक। लेकिन हैलोवीन क्या है और क्यों मनाया जाता है और हैलोवीन में क्या होता है, पहले आप ये जान लें। जी हाँ, हैलोवीन को लोग डरावनी और मजेदार दिन के तौर पर मनाते हैं। इस शब्द का मतलब वैसे पवित्र शाम होता है। इतना ही नहीं, इसे तो ऑल सेंट्स डे के तौर पर भी लोग पहचानते हैं। ये 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। हैलोवीन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन अब ये त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन कई लोग डरावने कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस दिन को रात भर एंजॉय करते हैं। ये दिन वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि पश्चिमी ईसाइयों और गैर ईसाइयों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार वहाँ मनाया जाता है जहाँ संत शहीद लोगों को दिल से याद किया जाता है। उन आत्माओं के लिए इस दिन वो प्रार्थना करते हैं जो कि स्वर्ग तक नहीं पहुँची हैं, लेकिन अब हर धर्म हर सिद्धांत को मानने वाले लोग इसे मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हैलोवीन क्या है। अब हम आपको खबर बताते हैं कि क्या हुआ कि कट्टरपंथियों का चेहरा लाल हो गया। जी हाँ, खबरों की माने तो हैलोवीन के दिन कुछ तस्वीरें सऊदी अरब से भी सामने आई, जिसमें सऊदी के लोग हैलोवीन मनाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब को दुनिया का सेंटर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ऐसे में वहाँ हैलोवीन के रंग में रंगे लोगों की तस्वीरें सऊदी अरब से सामने आने के बाद हंगामा हो गया और एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। दरअसल इस्लाम में ऐसा कोई भी आयोजन गुनाह माना जाता है। इसी को लेकर इस्लामी जगत से जुड़े लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। आप तो जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया भर के इस्लामी जगत का केंद्र है। यहाँ मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र माना जाने वाला स्थान मक्का भी है। कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब में इस तरह का कोई भी त्योहार मनाया जाना जुर्म था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब 360 डिग्री घूम गया। इस्लामिक रिवाजों में आधुनिक बदलावों की नई चर्चा शुरू की। इस साल का हैलोवीन उनके इस मॉडर्न इस्लाम वाली सोच का ही नतीजा है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने भले ही इसे मनाने की अनुमति अपने देश के लोगों को दे दी हो, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिमों को ये नागवार गुजरा। सोशल मीडिया पर सामने आई हैलोवीन की तस्वीरों पर लोग पागल हो गए और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। यहाँ काफी संख्या में लोगों ने इसे हराम करार दिया। वहीं कई लोग इस्लाम में इस तरह के आधुनिक बदलावों के पक्ष में भी नजर आए। सऊदी में मनाए गए हैलोवीन को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सऊदी अरब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा, तो वहीं कई ने कहा कि ये मोहम्मद बिन सलमान का आधुनिक इस्लाम है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रिंस सलमान और सऊदी अरब की आलोचना हो रही है और इसका कारण क्या है। Thank you.